सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है और गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, गांव वासियों को भेजा गया नोटिस। बाढ़ की आशंका से तटवर्ती इलाकों में लोग परेशान। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। वाराणसी में एक बार फिर गंगा अपने रौद्र रूप में आ गई है और काशी के कई घाट जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बाढ़ के चलते लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने नक्खी घाट में बाढ़ के इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को उनके जरूरत का सामान वितरित कर लोगों की मदद की। आपको बता दें कि गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है और खतरे के निशान से महज कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में बाढ़ की आशंका से तटवर्तीय इलाकों में लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं और गंगा चेतावनी बिंदु पार करके बह रही है। वहीं उसकी सहायक नदी वरुणा तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है, जिसके बाद नमो घाट पर स्मार्ट सिटी के द्वारा सूचना बोर्ड लगाया गया, जिसमें सूचना दी गई है कि घाट पर टहलना सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन एहतियत के तौर पर सारी तैयारियां कर चुकी है। वही जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है, साथ ही निचले स्तर पर सभी गांव वासियों को नोटिस भेजा गया है और लोगों को दूसरे स्थान पर रहने का आदेश दिया गया है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ बात